मेरे सेयन वॉरियर्स, एक बैग हमेशा से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी रहा है, जिसे आप हर जगह कैरी करते हो, भले ही आप स्टूडेंट हो, ऑफिस जाते हो या फिर इवन ट्रैवलिंग के टाइम या जिम के वक्त भी। इसलिए आज की इस अल्टीमेट स्टाइलिश बैकपैक गाइड वीडियो में आप ए टू जेड हर एक जगह के लिए अपने हिसाब से परफेक्ट बैग कैसे चूज कर सकते हैं उसके रूल्स डिस्कस करेंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में कुछ सबसे कॉमन छपरी बैकपैक मिस्टेक्स की भी बात करेंगे, जो कि ज्यादातर लड़के करते हुए दिखते हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, स्कूल/कॉलेज बैकपैक। एक परफेक्ट स्कूल या कॉलेज के बैकपैक को चूज करने के लिए आपको चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने जरूरी हैं। सबसे पहला है साइज एंड कलर। जो भी बैकपैक आप कैरी करते हो वो एक सफिशिएंट स्पेस वाला और एक करेक्ट साइज वाला होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैग छोटा होगा तो आप उसमें चीजें कैरी नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप काफी बड़ा बैकपैक कैरी करोगे तो वो ओवरऑल काफी ऑड लगता है देखने में। तो इस हिसाब से 25 से 30 लीटर की कैपेसिटी वाले बैकपैक्स मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ऑनलाइन बैग परचेज करते वक्त कोई भी बैग के पेज पे ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि वो बैग कितने लीटर्स का है, तो बैग खरीदते समय सबसे पहली चीज आप यही देखना। सेकेंडली, बैग के परफेक्ट कलर की बात करें तो सबसे पहले तो आपके बैग के ऊपर कोई भी अजीबोगरीब कार्टून्स या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स नहीं बने हुए होने चाहिए। ये बैग के क्लास को काफी ज्यादा कम करता है। आपके बैग बिल्कुल सॉलिड सिंगल कलर के या फिर डुअल कलर के हो सकते हैं, जिनमें भी आप थोड़े डार्कर टोन्स वाले कलर्स प्रेफर करना बैग पे, क्योंकि अगर आप बैग्स को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं भी धोगे तब भी थोड़े डार्कर कलर के बैग्स देखने में डर्टी नहीं लगेंगे एज कम्पेयर टू व्हाइट या फिर लाइटर कलर के बैग्स। सेकंड फैक्टर है मटेरियल ऑफ द बैकपैक। मोस्टली पॉलिएस्टर मटेरियल के, कैनवास के या फिर लेदर मटेरियल के बैकपैक्स सबसे स्टैंडर्ड और सूटेबल माने जाते हैं। आप अपनी चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से तीनों में से कोई भी मटेरियल के बैग चुन सकते हैं। जो कैनवास और पॉलिएस्टर मटेरियल के बैकपैक्स रहेंगे वो आपको थोड़ा यंगर और बॉयश टाइप लुक देंगे ओवरऑल, वहीं लेदर मटेरियल के बैकपैक्स आपको एक ओवरऑल क्लासी लुक देंगे। ऑनलाइन बैग बाय करते समय ये चीज भी आप जरूर से चेक करना कि जो बैग आप ले रहे हो वो कौन से मटेरियल का है। थर्ड फैक्टर है कंफर्ट ऑफ द बैकपैक। आप अपने बैकपैक को डेली बेसिस पे कैरी करते हो तो उसे टांगने के बाद आपके कंधों में अननेसेसरी दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए बैग का कंफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बैग के बैक साइड में और उसके स्ट्रैप्स में अच्छी खासी पैडिंग रहनी चाहिए, जो कि आपको अच्छी बैग की कंपनीज काफी डिसेंट प्राइस में भी दे रही हैं। तो इसलिए बैग में बहुत ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो यार। फोर्थ पे है सम एडिशनल बट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। आजकल के कोई भी बैकपैक के अंदर सेपरेट कंपार्टमेंट्स, जिसमें आप सेपरेटली और सीक्वेंशियली अपने पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, वॉलेट प्लस लैपटॉप कैरी करने के लिए एक सेपरेट पैडेड कंपार्टमेंट ना हो तो मजा नहीं आता यार। इसलिए मेरे हिसाब से आपके बैकपैक में ये सारी एडिशनल चीजें भी होनी चाहिए, ताकि आप अपने सामान को वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रख सके हर समय। मेनली इन चारों फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आप हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज के बैग्स ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी बेस्ट बैग्स के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लेना। नंबर सेकंड, ट्रैवल बैकपैक्स। खासकर ट्रैवलिंग के लिए तो बैग्स के काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए भी अगर आप थोड़ी लंबी जर्नी पे जा रहे हैं तो इसके लिए आप कोई भी एक सेफ लगेज बैग या फिर ट्रॉली बैग कैरी करना, जिसमें आप अपने मोस्ट ऑफ द स्टफ कैरी करेंगे, प्लस उसके साथ एक एंटी थेफ्ट बैकपैक कैरी कर लेना। एंटी थेफ्ट बैकपैक ट्रैवलिंग के टाइम पे सबसे सेफेस्ट रहेगा। इसमें एक्चुअली कोई भी चेन बाहर की तरफ विजिबल नहीं होती है, तो सामान चोरी होने का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस बैकपैक में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि चार्जर्स, लैपटॉप्स, ईयरफोन्स या फिर अपना ग्रूमिंग किट भी कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए सेकंड टाइप के बैकपैक्स आते हैं, रक्सैक टाइप बैग्स। इन बैकपैक्स की ये खास बात होती है कि इस सिंगल बड़े बैकपैक में आप अपना सारा सामान कैरी कर सकते हो, प्लस क्योंकि इसमें 3-4 बैग्स कैरी करने की झंझट नहीं है तो ट्रैवलिंग के लिए ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। नंबर थर्ड, स्ट्रीट स्टाइल फैशन बैग्स। इन टाइप के बैग्स को हम क्रॉस बॉडी बैग्स या फिर फैनी बैग्स भी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली एवरीडे कैजुअल आउटफिट्स के साथ छोटा मोटा सामान, वॉलेट या फिर फोन कैरी करने के लिए काफी एक स्टाइलिश ऑप्शन है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। इनमें पर्टिकुलरली ये दोनों शेप्स के बैग्स मेरे फेवरेट हैं। इनके भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर फोर्थ, क्लासी ऑफिस बैग्स। किसी भी ऑफिस एनवायरमेंट के लिए ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के सोबर और क्लासी लेदर लुक अलाइक मटेरियल के बैग्स बेस्ट लगते हैं। जिनके स्टाइल की बात करें तो अगर आपके ऑफिस में हमेशा फॉर्मल क्लोथ्स चलते हैं या फिर आप थोड़ी बड़ी एज के हैं, 35 से ऊपर के, तो आप मैसेंजर बैग कैरी कर सकते हैं। इन बैग्स को स्ट्रैप की मदद से आप इजीली अपने कंधे पे टांग सकते हैं या फिर इवन
हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। ऑफिस के लिए सेकंड बैग ऑप्शन आता है, सिंपल लेदर बैकपैक। आप यंग हो और आपके ऑफिस में थोड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट भी है, तो आप डेफिनेटली ये क्लासी लुकिंग बैग्स डेली बेसिस पे कैरी कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपको डैपर दिखाएंगे। नंबर फिफ्थ, जिम बैग्स। जिम में वैसे तो आप नॉर्मल बैकपैक भी कैरी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से मीडियम साइज डफल बैग जो कि स्पेसिफिकली पॉलिएस्टर मटेरियल का होगा। ये सिलेंड्रिकल शेप का बैग जिम्स के हिसाब से बेस्ट रहता है। बेसिकली इन टाइप के बैग में सफिशियंट स्पेस होती है आपके शूज, वाटर बॉटल, टॉवल और बाकी की जिम की चीजें कैरी करने के लिए, जिसे अगेन आप कंधे पे स्ट्रैप की मदद से टांग सकते हैं या फिर हाथ में पकड़ के भी कैरी कर सकते हैं। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की बिगेस्ट बैग मिस्टेक्स के लिए, फर्स्ट है कई लोगों का बैग पुराना हो जाता है तो वो स्केच पेन से या फिर पेन से अपने बैग पे डूडलिंग कर देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने में इतना अच्छा नहीं लगता यार, तो आप इसे अवॉइड करना। सेकेंडली, कई लोगों को मैंने देखा है बैग पहनने के बाद बैग के बोझ के कारण स्लाउच करने लग जाते हैं, उनका पूरा पोस्चर बिगड़ जाता है। बैग पहनने के बाद भी आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट अट्रैक्टिव होना चाहिए। थर्डली, वो वाले बैग्स जो लैपटॉप्स के साथ फ्री आते हैं, वो बैग्स भी आप डेली बेसिस पे मत कैरी करना, ऐसा लगेगा पूरे घर में एक ही बैग है इसके। नंबर फोर्थ, सिंपल टिप है बट इम्पोर्टेंट है कि आप रोज टाइम टेबल के हिसाब से ही बैग जमाओ, ताकि रोज इतनी बुक्स के वेट से बैग फटे भी नहीं, लंबा चले। प्लस कॉलेज में मोटे बैग्स बहुत अनस्टाइलिश लगते हैं। और फाइनली नंबर फिफ्थ, मोटे चेन्स, बकल्स या फिर कैराबिनर्स जिन बैग्स में होते हैं फ्रंट में, ऐसे बैग्स को भी आप अवॉइड करना, ये भी इतने क्लासी नहीं लगते देखने में। आप मेरी लेटेस्ट एक्सेसरी ट्रेंड्स वाली वीडियो भी देख सकते हो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स पे क्लिक करके।